नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब बच्चा घर से निकलकर विद्यालय में प्रवेश करता है तो विद्यालय में उसकी कक्षा का निर्धारण बच्चे की भाषा के आधार पर कितने भागों में किया जाता है, तो दो भागों में किया जाता है दोस्तों। नंबर एक, एक भाषिक कक्षा, और नंबर दो, बहुभाषिक कक्षा। इसके पहले हमने आपको एक भाषिक कक्षा के बारे में बता दिया, अब लेके चलते हैं आपको दोस्तों बहुभाषिक कक्षा की तरफ। प्रश्न इससे हर साल किसी न किसी रूप में आपसे अवश्य पूछता रहता है, इसलिए दोस्तों पहला प्रश्न हमारे समक्ष यही उठ रहा है कि यहाँ पर बहुभाषिक का क्या तात्पर्य है। बहु मतलब अधिक या बहुत, या कह सकते हैं एक से अधिक। भाषा मतलब भाषा, एक मतलब होता है दोस्तों रिलेटेड होना या संबंधित होना। ऐसी कक्षा जिसमें एक से अधिक भाषा से युक्त मातृभाषा वाले बच्चे उपस्थित रहते हैं, अर्थात ऐसी कक्षा जिसमें कम से कम दो बच्चों की भाषा समान न हो, ऐसी कक्षा को संस्कृत जगत में द्विभाषिक या फिर बहुभाषिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत जगत में कहा जाता है कि अगर कक्षा में सिर्फ दो बच्चों की भाषा अलग है, मतलब एक बच्चा भिन्न बोल रहा है और सब बच्चों की भाषा एक ही है, तो वह द्विभाषिक कहलाएगा। लेकिन हिंदी जगत उसको द्विभाषिक न कह के हिंदी जगत इसको किस नाम से जानता है, बहुभाषिक, क्योंकि हिंदी में द्विवचन नहीं होता है। दोस्तों अब लेके चलते हैं, जरा ध्यान दें। तो बहुभाषिक कक्षा से पहला प्रश्न यह उठा कि आखिर में बहुभाषिक कक्षा कहते किसे हैं। ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक एक से अधिक भाषा पढ़ाए उसे कहते हैं? नहीं दोस्तों। शिक्षक को एक से अधिक भाषा आती है उसे कहेंगे? नहीं दोस्तों। कक्षा की बहुभाषिकता या कक्षा बहुभाषिक कक्षा का तात्पर्य यह है कि बच्चों की भाषा एक से अधिक हो, अर्थात एक से अधिक मातृभाषा वाले बच्चे अगर एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं तो उस कक्षा को बहुभाषिक कक्षा कहते हैं, अर्थात कम से कम दो बच्चों की मातृभाषा समान न हो, ऐसी कक्षा क्या कहलाती है दोस्तों? बहुभाषिक कक्षा कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे की भाषा के आधार पर ही इन कक्षाओं का निर्धारण होता है। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, यह हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि क्या, पहला प्रश्न देखें जरा सा, क्या कक्षा की बहुभाषिकता शिक्षक के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है? पहला प्रश्न दोस्तों, क्या कक्षा की बहुभाषिकता शिक्षक के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करती है अथवा नहीं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यस, हाँ, क्योंकि एक से अधिक भाषा वाले बच्चे अगर आपकी कक्षा में प्रेजेंट रहेंगे, उपस्थित रहेंगे, तो आपको शिक्षण कार्य करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। क्यों होता है बताते हैं आपको, क्योंकि ऐसी दशा में आप बच्चों को समझना चाहेंगे पहले, जब तक आप बच्चे का आकलन मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं तब तक आप बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, और बच्चे के भाषा का आकलन करने के लिए या मूल्यांकन करने के लिए बच्चे की भाषा का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। जबकि एक सामान्य शिक्षक के बस की बात नहीं है कि सभी बच्चों की भाषा को वह जान सके। ऐसी दशा में क्या हुई, आपके लिए कठिनाई हुई कि नहीं हुई? आप बच्चे को पढ़ाएंगे, मानक भाषा का यूज करेंगे, लेकिन बच्चा तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही जानता है, तो ऐसी दशा में आप कैसे पढ़ा पाएंगे? इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, कक्षा की बहुभाषिकता अर्थात कक्षा का जो बहुभाषिक माहौल है वह शिक्षक के लिए शिक्षक के शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करता है। तो प्रश्न यह उपस्थित होता है, तो क्या ऐसी दशा में शिक्षक को शिक्षण कार्य करना बंद कर देना चाहिए? नहीं दोस्तों, अगर शिक्षण कार्य बंद कर देंगे तो फिर आप शिक्षक किस बात के रह गए?
ऐसी दशा में दोस्तों आपको उचित रणनीतियों का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी कक्षा में आप जब भी अपना लेसन प्लान बनाएं तो बच्चों की मातृभाषा को यत्र तत्र कुछ शब्दावलियों का प्रयोग अपनी आप मातृभाषा में करें, क्योंकि कुछ ही पाठ एक ही पाठ को एक दिन में आप पढ़ाते हैं तो उस पाठ को एक सुनियोजित तरीके से आप बनाइए। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, समझाने के लिए आप अधिक से अधिक ऑडियो विजुअल एड्स का सहयोग लीजिएगा, अर्थात श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को समझाना चाह रहे हैं, अगर दिखा देंगे तो बच्चा जल्दी से समझ जाएगा कि हाँ इसी चीज़ के बारे में यही चीज़ बताया जा रहा है। दोस्तों इस तरह से आप अपनी शिक्षण प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा प्रश्न यह उपस्थित होता है दोस्तों कि क्या कक्षा की बहुभाषिकता, या कह सकते हैं कि कक्षा की बहुभाषिकता शिक्षक की बच्चों की शिक्षण कार्य पर बच्चों की भाषाई विकास पर क्या प्रभाव डालती है, क्योंकि बहुभाषिकता स्त्रीलिंग शब्द है। तो देखें दोस्तों, कक्षा की बहुभाषिकता बच्चों के भाषाई विकास पर क्या प्रभाव डालती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुभाषिक माहौल में आपको पता होगा कि बहुभाषिक परिवेश में भाषा सीखने की गति कैसी होगी, मंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे का जो डाइवर्जन होता है वह एक भाषा पर न होकर के एक से अधिक भाषा पर होगा, इसलिए भाषा सीखने की गति क्या हो जाएगी दोस्तों, मंद पड़ जाएगी। भाषा सीखने की गति मंद पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पते की बात बताते हैं, भाषा सीखने की गति तो मंद होगी लेकिन भाषाई संज्ञान में वृद्धि होगी। दोस्तों क्या होगा, भाषाई संज्ञान में वृद्धि होगी। क्योंकि बच्चा क्या करेगा, एक से अधिक भाषा को भी वो क्या करेगा, सीख लेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है बैठा हिंदी भाषी, उसका मित्र है गुजराती में बोल रहा है, तो क्या करेगा, उस बच्चे की भाषा को नहीं सीख पाएगा, सीख लेगा। कहीं ना कहीं वह एक दूसरे की संस्कृतियों का क्या करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे की भाषा का आदान प्रदान करते हैं। क्यों करते हैं, मतलब इस कारण से उनके भाषाई संज्ञान में क्या होती है, क्योंकि इसका कारण क्या है जरा देख लें आप कि भाषाई संज्ञान में वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे की भाषा का क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। एक दूसरे की भाषा का अनुकरण करने के कारण उनके भाषाई विकास की जो गति है नो डाउट धीमी तो होगी, क्योंकि डाइवर्जन होता है। बट अगर कहा जाए भाषाई संज्ञान में वृद्धि होती है कि नहीं, तो यस वृद्धि होगी, क्योंकि बच्चा एक ही भाषा को न सीख करके एक से अधिक भाषा को सीख लेता है। दोस्तों और बताते हैं आपको, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न यह उठा एक नया कि कक्षा की बहुभाषिकता कक्षीय वातावरण पर क्या प्रभाव डालती है। कक्षा की बहुभाषिकता कक्षीय वातावरण पर, कक्षीय माहौल पर क्या असर डालती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कक्षीय माहौल पर क्या असर पड़ेगा, जब बच्चे एक से अधिक भाषा वाले आएंगे तो उनका क्षेत्र भी एक से अधिक होगा, अर्थात भिन्न भिन्न क्षेत्र से आएंगे। जब भिन्न भिन्न क्षेत्र से आएंगे तो आप देख रहे हैं कि वे एक दूसरे की संस्कृतियों का क्या करेंगे, वे एक दूसरे की संस्कृतियों का, कल्चर्स का आदान प्रदान करेंगे।
एक से अधिक एक दूसरे की संस्कृतियों का, रहन सहन का, पहनावे का, एक दूसरे के बातचीत का, एक दूसरे की लैंग्वेज का आदान प्रदान करेंगे तो क्या होगा? कक्षीय वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि अनुकूल? नो डाउट अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और दोस्तों आपको बता दें, इस कक्षा की बहुभाषिकता के संदर्भ में एक बात यह भी आती है कि ऐसी कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न क्षेत्र से आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कक्षा में हम अनेकता में एकता के दर्शन भी करते हैं। अनेकता में एकता के दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का विकास होता है। पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के रूप में दिखाई देती है। वसुधैव कुटुंबकम, की अवधारणा का विकास होता है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से कक्षा की बहुभाषिकता कक्षी माहौल पर क्या करती है दोस्तों? अनुकूल प्रभाव डालती है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो बहुभाषिक कक्षा है यह शिक्षक के शिक्षण कार्य में बाधा क्रिएट करती है, उनके लिए समस्या उत्पन्न करती है। और दोस्तों एक पते की बात आपको बता दें कि ये जो द्विभाषिक या बहुभाषिक कक्षा है इसमें भाषाई गति तो धीमी होगी, लेकिन भाषा सीखने की गति धीमी होगी, लेकिन भाषा एक से अधिक भाषा की जानकारी में वृद्धि होगी, इसलिए भाषाई संज्ञान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। और एक बात और बता दें आपको दोस्तों, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ऐसी कक्षा में शिक्षक का व्यवहार किस तरह का होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसी कक्षा में आप बच्चों पर सबसे ज़्यादा सबसे पहला काम ये है कि आप एक अच्छे भाषिक वातावरण का, एक समृद्ध भाषिक वातावरण का विकास करें सबसे पहले। और इसके लिए आप बच्चों से अधिक क्या करें? बातचीत करें तथा उन्हें स्वयं बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करें। आप स्वयं बातचीत करें, मित्रवत व्यवहार करें, लेकिन दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि आप उनसे भी कहिए ज़्यादा से ज़्यादा वे आपस में बातचीत करें, जिससे कि वे परस्पर अंतःक्रिया कर सकें। और परस्पर अंतःक्रिया करने से वे एक दूसरे की भाषा को या उनकी भाषाई जो गति होगी या उनमें स्वाभाविकता का, सहजता का क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। तो इस तरह से आपने अभी तक जो मातृभाषा के संदर्भ में देखा, एक भाषिक कक्षा को देख लिया और बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में देख लिया दोस्तों, और बहुभाषिक कक्षा को दूसरे शब्दों में बहुसांस्कृतिक भाषा वाली कक्षा भी कह सकते हैं, क्योंकि सबकी कल्चर भिन्न भिन्न होती है। तो इस बहुसांस्कृतिक कक्षा वाली भाषा में आप क्या पाएंगे कि आप सबसे पहले देखते हैं कि अलग अलग भाषा वाले बच्चे बैठेंगे, उनका क्षेत्र चेंज रहेगा तो कल्चर चेंज रहेगी, जब कल्चर चेंज रहेगा तो वे एक दूसरे में वार्तालाप कम करेंगे। इसलिए आप उनसे अधिक से अधिक बातचीत करने के लिए अवसर उपलब्ध कराइएगा, तभी जा करके आप बच्चों में भाषा का विकास कर सकते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम लेके चलते हैं, यदि आपको किसी प्रकार के अगर प्रश्न पूछने हो तो आप इससे रिलेटेड हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, निर्णय अकेडमी के कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार दे सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। और एक बात और, हम लोग ऑनलाइन आते रहते हैं और इसमें भी आप हमारे अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी प्रकार की और समस्या है आपको तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 94-73-88-12-83, इस नंबर पर आप दोस्तों मैसेज करके, व्हाट्सएप करके भी आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और हम आप सभी लोगों का, जो भी हमारे संस्था से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, सबको मैं इसी ग्रुप से जोड़ करके आपको मैं एक जो है हर एनी टाइम जैसे टॉपिक समाप्त हो रहा है वैसे वैसे हम आपको क्या दे रहे हैं, आपको हम प्रैक्टिस सेट
पीडीएफ फाइल के माध्यम से भेजते रहेंगे प्रश्नों को बना करके। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहेंगे पूछते रहिएगा, और एक समय ऐसा भी बीच बीच में करते रहेंगे कि उन प्रश्नों को भी हल कराते रहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।